गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के 6 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और इसी के साथ जानने वाले हैं इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी, और दोस्तों जानने वाले हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 इस फिल्म के लीड में आपको दिखाई दिए हैं टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे। इन दोनों की ही ये डेब्यू फिल्म है। दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो बता दें आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से काफी मिक्स रिव्यूज मिले हैं। वहीं बच्चे और फैमिलीज इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को लगाया गया था लगभग 3150 स्क्रीन पर, और इस फिल्म ने अपने फर्स्ट डे में कमाए थे 12.6 करोड़ रुपए, जो कि एक काफी अच्छी कमाई थी और इस साल की 5th हाईएस्ट ओपनर थी। बात करें सेकेंड डे की, तो सेकेंड डे में दोस्तों इस फिल्म ने थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई और कमाए 14.2 करोड़ रुपए। वहीं अपने तीसरे दिन इस फिल्म ने कमाए 12.75 करोड़ रुपए। बताया दोस्तों कि इस तरह से इस फिल्म का 3 दिनों का वीकेंड कलेक्शन हो चुका था लगभग 38 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। वहीं बात करें इस फिल्म के 4th डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्किंग डे वाले दिनों में ये फिल्म काफी कम बिजनेस कर पाती है, लेकिन यहाँ पर टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म ने अपने 4th डे में भी काफी अच्छा होल्ड करके रखा और कमाए 5.52 करोड़ रुपए। वहीं 5th डे में भी दोस्तों इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की है और कमाए है 4.90 करोड़ रुपए। इसी के साथ इस फिल्म का जो 5 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो चुका है 49.55 करोड़ रुपए। और दोस्तों इस तरह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी रही है एवरेज। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अभी तक कमा चुकी है लगभग 70 करोड़ रुपए, और दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए अभी भी लगभग 30 करोड़ रुपए की कमाई और करनी होगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाएगी या नहीं? क्योंकि अब कल के ही दिन में मास महाराजा अजय देवगन सर की फिल्म दे दे प्यार दे भी रिलीज होने वाली है, जिसका की ऑडियंस के बीच में काफी अच्छा बज बना हुआ है। तो दोस्तों वो फिल्म इस फिल्म का जो कलेक्शन है उसमें काफी कमी करा सकती है और ये फिल्म अपना लाइफ टाइम कलेक्शन लगभग 70 करोड़ रुपए का ही कर पाएगी। आपके हिसाब से दोस्तों इस फिल्म का लाइफ टाइम क्या हो सकता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।